हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल के फैक्टो इस्टीवन प्ली, इस्टीवन इस्टीवन द्वारा उन्नीस तो सन बयासी की एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म है यह है, इलियट पर इंग्लियट की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे ईटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर छे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ इलियट को इटी को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वालेस हेनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट्स मैकनोट्स और ड्रू बीमी मोर है बैरी मोर्स है निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग्स से लेखक मोलिशा मैथिनसन है उत्पादक है कैथलीट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्स अभिनित किया डी वाल वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट्स मैकनोड ने और ड्र्यू बेरीमोर ने छायांकन एलन डोवियाओ का है संपादन कैरोल लिटल, लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एम्बली एंटरटेनमेंट्स है वितरित किए गए यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज़ की गई दो तारीखें एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज़ हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन नाइन टू पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पिलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पिलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और अवास्तविक परियोजना नाइट इज़ से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने ईटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार ले। फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस जिसने इसकी व्यवस्थाई समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में से एक मिलियन डॉलर के में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर सन उन्नीस सौ इक्यासी तक दस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के विपरीत ए युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी कालू क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेट्र एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिजाइन किए गए थे ईटी द का प्राइमर 26 मई सन उन्नीस को कांस फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया सन उन्नीस में, में स्पिलवर्ग और अपने जरासिक जुरासिक पार को पार करने तक यह ग्यारह वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने पचपनवे अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार प्रुष, जीता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और पंच, से, पंच सेटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस में एक में और फिर 2002 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित शोट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 अगस्त सन दो को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस सौ चौरानवे में, में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय की संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया जिसने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक व सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा फिल्म की जो कथा है वो बताती है कि कैलिफोर्निया के एक जंगल में पौधे के नमूने लेने के लिए एलियंस गुप्त रूप से रात में पृथ्वी पर आते हैं और उनमें से एक दूर शहर की रोशनी से मोहित होकर समूह से अलग हो जाता है और अमेरिकी सरकारी वाहन आते हैं और उसे चौक कर चौक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सैन फॉर्डांसो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय एलियट लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बेमिस बेसबॉल को एक ट्रूल सेड के पिच करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में इलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कौन कौन स्कोरस के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटनास्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद एलियट अपने घर में एलियट को लुवाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है और उससे वह चौंक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में ए, 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 एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मर्त, मर्त गुलदाउदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटेलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर क्विट मैन में और जॉन वैन में मोरिंस ओहारा को चुमते है। देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को एटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहां बक रोसर्स फंसे हुए और अस्थाई संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ईटी को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ईटी का स्वा गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान है कि ईटी को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हेलोविन की रात को माइकल और इटलियट ने ईटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सके इटे इलियट इलियट और ईटी जंगल में जाते हैं जहां वे सफलतापूर्वक घर घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन इलियट मैदान में जागता है और ईटी को ढूंढता है एलियट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल ईटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले इलियट के घर में ले जाता है और मैं मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि की कीज के नेतृत्व में बायो हार्ट सूट पहनने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की और जिसमें माइकल मैरिक और गट्टी गर्ट, से पूछा गया कि वह इटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और ईटी का इलाज कर रहे हैं इल्टी एलियट और ईटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है एलियट के ठीक होने के दौरान ईटी मरता हुआ प्रतीत होता है एलियट को दूर ले जाया जाता है और चिल्लाते हुए कि डॉक्टर ईटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुलदाउदी फिर से मर जाए मर रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार को लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक अश्रुपूर्ण अस, अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है ईट एलियट और माइकल के ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चकमा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का सामना करते हुए ईटी उन्हें समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टे, टेलीकि्स का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे उस जैसे उसने पहले इलियट्स के लिए किया था अंतरिक्ष यान के पास खड़े होकर ईटी का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयारी करता है जबकि मेरी गर्टी और कीस दिखाई देते हैं ईटी माइकल और गर्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे जिसे उन्हें पुनर्जीवित किया था अंतरिक्ष यान का चढ़ चर्ण, चढ़ने से पहले वह इलियट को गले लगाता है और इलियट के हा माथे पर अपनी चमकती हुई उंगली की ओर इशारा कर करते हुए कहता है कि मैं यही रहूँगा वह गुलदाउदी उठाता है और अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और जैसा कि अन्य लोग इसे उड़ान भरते हुए देखते हैं अंतरिक्ष यान आकाश में एक इंद्रधनुष छोड़ता है फिल्म में एलियट टेलर के रूप में हैरी थॉमस एक दस साल का लड़का जो इटी से दोस्ती करता है इटी के रूप में पेट वेल्थ जो स्टीवन स्पीलबर्ग और कैनेड्स ग्रीम हैं और मैरी टेलर के रूप में डी वालेस जो इटी एलियट माइकल और मार्टी की एकल माँ है किस के रूप में पीटर कोयोट एक सरकारी एजेंट जो इटी पर कब्जा करने का आ, आमादा है माइकल टेलर इलियट से मगर्टी के बड़े भाई के रूप में जो रॉबर्ट मेग मेगन टन है गर्टी टेलर इटेलियट के माइकल्स की छोटी बहन के रूप में जो ड्यून बेरी मोर है ग्रेक के रूप में वेकेसी मार मार्टेल है टायलर के रूप में श्री श्री थॉमस होवेल्स है स्टीव के रूप में सीनफाय है और पेटी गर्ल्स के रूप में एरिका एलिनिया है और स्कूल बॉय के रूप में डेविड ओडेल है विज्ञान शिक्षक के रूप में रिचर्ड्स स्क्यूलर है और फ्रेक थोट पुलिसकर्मी के रूप में और अल्ट्रासाउंड मैन के रूप में रॉबर्ट बार्टन है माइकल डेर है और नर्स के रूप में एनी लोक हार्ट्स ने इस मूवी दिखाई हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ इज़ द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मूवी के फैक्टो रिव्यू इट इज़ द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्टीवन प्ली स्टीवन स्पिलबर्ग द्वारा निर्मित निर्मित और निर्देशित और मोलिशिया में थियासन द्वारा लिखित सन उन्नीस सौ बयासी की एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म है यह है। इलियट पर की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे ईटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ इलियट को ईटी को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वॉलेस हेनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट मैकनोट्स और ड्रू बीमी मोर है बैरी मोर है निर्देशक स्टीवन स्पिलेखक मोलिशा मैथिन उत्पादक है कैथलीट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्गस अभिनित किया डी वाल्स वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट्स एनन ने और ड्रू बैरी ने छायांकन एलन डोवी डोवियाओ का है संपादन कैरोल लिटल लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एम्बली एंटरटेनमेंट्स है, है वितरित किए गए यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज की गई दो तो तारीखें एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज़ हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन नाइन टू पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पीलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पीलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और अवास्तविक परियोजना नाइट स्काई इज से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने ईटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस, जिसने इसकी व्यवस्थाई समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में से एक मिलियन डॉलर के में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर सन उन्नीस सौ इक्यासी तक दस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के वितरित एटी युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी कालू क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेटर एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिजाइन किए गए थे इटी द का प्राइमर 26 मई सन उन्नीस सौ बयासी को कांस फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया सन उन्नीस सौ तिरानवे में, में स्पिलवर्ग और अपने जरासिक जुरासिक पार्क को पार करने तक यह ग्यारह वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने 55वें अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार प्रुष, जीता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और पंच, से, पंच सेटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस में एक में और फिर 2002 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित सोट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 अगस्त 2022 को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस में, में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय की संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया जिसने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक व सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा फिल्म की जो कथा है वो बताती है कि कैलिफोर्निया के एक जंगल में पौधे के नमूने लेने के लिए एलियंस गुप्त रूप से रात में पृथ्वी पर आते हैं और उनमें से एक दूर शहर की रोशनी से मोहित होकर समूह से अलग हो जाता है और अमेरिकी सरकारी वाहन आते हैं और उसे चौक कर चौक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सैन फार्डांसो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय एलियट लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बेमिस बेसबॉल को एक ट्रूल सेड के पिच करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में इलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कौन कौन स्कोर्स के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटनास्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद एलियट अपने घर में एलियट को लुभाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है उससे वह चौक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में ए, ए, एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मत मर्त, मर्त गुलदाऊदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटेलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर क्विट मैन में और जॉन वैन में मोरिन ओहारा को चुमते है। देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को इटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहाँ बकर फंसे हुए और अस्थाई संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ई को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ई का स्वा गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान है कि ई को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हेलोवीन की रात को माइकल और इटलियट ने ईटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सकेट और ईटी जंगल में जाते हैं जहां वे सफलतापूर्वक घर घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन एलियट मैदान में जागता है और ईटी को ढूंढता है एलियट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल ईटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले इलियट के घर में ले जाता है और मैं मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि की कीज के नेतृत्व में बायो हार्ट सूट पहनने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की और जिसमें माइकल मैरिक और गट्टी से पूछा गया कि वह ईटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और ईटी का इलाज कर रहे हैं इल्टी एलियट और ईटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है एलियट के ठीक होने के दौरान ईटी मरता हुआ प्रतीत होता है एलियट को दूर ले जाया जाता है और चिल्लाते हुए कि डॉक्टर ईटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुलदाउदी फिर से मर जाए मिर रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार को लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक अश्रुपूर्ण अस, अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है ईट एलियट और माइकल के ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चकमा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का सामना करते हुए ईटी उन्हें समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टे, टेलीस का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे उस जैसे उसने पहले इलियट्स के लिए किया था अंतरिक्ष यान के पास खड़े होकर ईटी का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयारी करता है जबकि मेरी गर्टी और कीस दिखाई देते हैं ईटी माइकल और गर्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे जिसे उन्हें पुनर्जीवित किया था अंतरिक्ष यान का चढ़ पर चढ़ने से पहले वह इलियट को गले लगाता है और इलियट के हा माथे पर अपनी चमकती हुई उंगली की ओर इशारा कर करते हुए कहता है कि मैं यही रहूँगा वह गुलदाउदी उठाता है और अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और जैसा कि अन्य लोग इसे उड़ान भरते हुए देखते हैं अंतरिक्ष यान आकाश में एक इंद्रधनुष छोड़ता है फिल्म में एलियट टेलर के रूप में हैरी थॉमस एक दस साल का लड़का जो इटी से दोस्ती करता है इटी के रूप में पेट वेल्थ जो स्टीवन स्पीलबर्ग और कैनेड्स ग्रीम है और मैरी टेलर के रूप में डी वालेस जो इटी इलियट माइकल और मार्टी की एकल माँ है कीज के रूप में पीटर कोयोट एक सरकारी एजेंट जो इटी पर कब्जा करने का आ, आमादा है माइकल टेलर इलियट से मगर्टी के बड़े भाई के रूप में जो रॉबर्ट मेग मेगनटन है गर्टी टेलर इटेलियट के माइकल्स की छोटी बहन के रूप में जो ड्यून बेरी मोर है ग्रेक के रूप में वेकेसी मार मार्टेल है टायरलर के रूप में श्री श्री थोमस होवेल्स है स्टीव के रूप में सीन फाइव है और पेटी गर्ल्स के रूप में एरिका एलिन है और स्कूल बॉय के रूप में डेविड ओडेल है विज्ञान शिक्षक के रूप में रिचर्ड्स स्क्यूलर है और फ्रेक थोट पुलिसकर्मी के रूप में और अल्ट्रासाउंड मैन के रूप में रोबर्ट बार्टन है माइकल डेर है और नर्स के रूप में एनी लोक हार्ट ने इस मूवी है हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ इज द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मूवी के फैक्टो रिव्यू इट इज द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्टीवन प्ली स्टीवन स्पिल द्वारा निर्मित निर्मित और निर्देशित और मोलिशिया में थियासन द्वारा लिखे सन उन्नीस सौ बयासी की एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म है यह है इलियट पर इलियट की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे इटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ इलियट को इटी को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वॉलेस हेनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट्स मैकनोट्स और ड्रू बीमी मोर है बैरी मोर्स है निर्देशक स्टीवन स्पिलवर्गस है लेखक मोलिशा है उत्पादक है कैथलीट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्गस अभिनित किया डी वाल्स वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट मैकनोट्स ने और ड्रू बैरी मोर ने छायांकन एलन डोवी डोवियाओ का है संपादन कैरोल लिटल लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एम्बली एंटरटेनमेंट्स है, है वितरित किए गए यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज की गई दो तो तारीखें एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज़ हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन नाइन टू पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पीलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पीलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और वास्तविक परियोजना नाइट स्काइज से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने ईटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस जिसने इसकी व्यवसायिक समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में से एक मिलियन डॉलर की में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर सन उन्नीस सौ इक्यासी तक दस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के वितरित ए युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी काल्पनिक क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेट्र एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिजाइन किए गए थे इटी द का प्राइमर 26 मई सन उन्नीस को कांस फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया सन उन्नीस में, में स्पिलवर्ग और अपने जरासिक जोरासिक पार्क को पार करने तक यह ग्यारह वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने पचपनवे अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और पंच से, पंच सेटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लो पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस में एक में और फिर 2002 में अपनी बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित शोट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी चालीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 अगस्त 2022 को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस में, में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय की संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म हिस्स में जोड़ा गया जिसने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक व सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा फिल्म की जो कथा है वो बताती है कि कैलिफोर्निया के एक जंगल में पौधे के नमूने लेने के लिए एलियंस गुप्त रूप से रात में पृथ्वी पर आते हैं और उनमें से एक दूर शहर की रोशनी से मोहित होकर समूह से अलग हो जाता है और अमेरिकी सरकारी वाहन आते हैं और उसे चौक कर चौक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सैन फार्डन्सो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय एलियट लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बे बेसबॉल को एक ट्रूल के करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में इलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कौन कौन स्कोर के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटनास्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद एलियट अपने घर में एलियट को लुवाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है और उससे वह चौंक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में ए, ए, एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मर्त, मर्त गुलदाउदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटेलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर द क्विट मैन में और जॉन वैन में मोरिंस ओहारा को चुमते है। देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को एटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहाँ बकर फंसे हुए और अस्थायी संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ईटी को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ईटी का स्वा गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान है कि ईटी को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हेलोविन की रात को माइकल और इटलियट ने ईटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सके इटे एलियट एलियट और ईटी जंगल में जाते हैं जहां वे सफलतापूर्वक घर घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन एलियट मैदान में जागता है और ईटी को ढूंढता है एलियट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल ईटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले एलियट के घर में ले जाता है और मैं मे, मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि की कीज के नेतृत्व में बायो हार्टज सूट पहनने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की और जिसमें माइकल मैरिक और गट्टी गर्ट, से पूछा गया कि वह ईटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और ईटी का इलाज कर रहे हैं इल्टी एलियट और ईटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है एलियट के ठीक होने के दौरान ईटी मरता हुआ प्रतीत होता है एलियट को दूर ले जाया जाता है और चिल्लाते हुए कि डॉक्टर ईटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुलदाउदी फिर से मर जाए मिल रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार को लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक सहस अस एक अश्रुपूर्ण अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है ईट एलियट और माइकल के ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चकमा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का सामना करते हुए ईटी उन्हें समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टे, टेलीकिनिंस का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे उस जैसे उसने पहले इलियट्स के लिए किया था अंतरिक्ष यान के पास खड़े होकर ईटी का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयारी करता है जबकि मेरी गर्टी और कीस दिखाई देते हैं ईटी माइकल और गर्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे जिसे उन्हें पुनर्जीवित किया था अंतरिक्ष यान का चढ़ पर चढ़ने से पहले वह इलियट को गले लगाता है और इलियट के हा माथे पर अपनी चमकती हुई उंगली की ओर इशारा कर करते हुए कहता है कि मैं यही रहूँगा वह गुलदाउदी उठाता है और अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और जैसा कि अन्य लोग इसे उड़ान भरते हुए देखते हैं अंतरिक्ष यान आकाश में एक इंद्रधनुष छोड़ता है फिल्म में एलियट टेलर के रूप में हैरी थॉमस एक दस साल का लड़का जो इटी से दोस्ती करता है इटी के रूप में पेट वेल्थ जो स्टीवन स्पीलबर्ग और कैनेड्स ग्रीम है और मैरी टेलर के रूप में डी वालेस जो इटी इलियट माइकल और मार्टी की एकल मां है किस के रूप में पीटर कोयोट एक सरकारी एजेंट जो इटी पर कब्जा करने का आ, आमादा है माइकल टेलर एलियट से गर्टी के बड़े भाई के रूप में जो रॉबर्ट मेग मैगनटन है गर्टी टेलर के माइकल्स की छोटी बहन के रूप में जो ड्यून बेरी मोर है ग्रेक के रूप में वेकेसी मार मार्टेल है टायलर के रूप में श्री सी थॉमस होवेल्स है स्टीव के रूप में सीनफाय है और पेटी गर्ल्स के रूप में एरिका एलिनियाक है और स्कूल बॉय के रूप में डेविड ओडेल है विज्ञान शिक्षक के रूप में रिचर्ड्स स्क्यूलर है और फ्रैक थॉट पुलिसकर्मी के रूप में और अल्ट्रासाउंड मैन के रूप में रोबर्टन है में वेन, वेन में के रूप में आपके लिए लेके आया द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मूवी के फैक्टोर रिव्यू इज द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्टीवन प्ली स्टीवन स्पिल द्वारा निर्मित निर्मित तो और निर्देशित और मोलिशिया में थियसन द्वारा लिखित सन उन्नीस सौ बयासी की एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म है यह है। इलियट पर की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे ईटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ इलियट को ईटी को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वॉलेस हेनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट्स मैकनोट्स और ड्रू बीमी मोर है बैरी मोर्स है निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग है लेखक मोलिशा मैथिन उत्पादक है कैथलीट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्ग्स अभिनित किया डी वाल्स वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट्स एनन ने और ड्रू बैरी मोर ने छायांकन एलन डोवी डोविया का है संपादन कैरोल लिटल, लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एम्बली एंटरटेनमेंट्स है, है वितरित किए गए यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज की गई दो तो तारीख है एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज़ हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन नाइन टू पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पीलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पीलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और अ वास्तविक परियोजना नाइट स्काई इज से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने ईटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस जिसने इसकी व्यवसायिक समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में से एक मिलियन डॉलर के में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर सन उन्नीस तक दस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के वितरित ए युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी कालू क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेट्र एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिजाइन किए गए थे इटी द का प्राइमर 26 मई सन उन्नीस को कांस फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया सन उन्नीस में, में स्पिलवर्ग और अपने जरासिक जुरासिक पार को पार करने तक यह ग्यारह वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने पचपनवे अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और पंच, से, पंच सेटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस में एक में और फिर 2002 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित शोट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 अगस्त सन दो को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस में, में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय की संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म फिल्मिस्ट्री में जोड़ा गया जिसने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक व सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा फिल्म की जो कथा है वो बताती है कि कैलिफोर्निया के एक जंगल में पौधे के नमूने लेने के लिए एलियंस गुप्त रूप से रात में पृथ्वी पर आते हैं और उनमें से एक दू दूर शहर की रोशनी से मोहित होकर समूह से अलग हो जाता है और अमेरिकी सरकारी वाहन आते हैं और उसे चौक कर चौक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सैन फॉर्डांसो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय एलियट लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बे बेसबॉल को एक ट्रूल सेड के पिच करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में इलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कौन कौन स्कोर्स के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटना स्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद एलियट अपने घर में एलियट को लुभाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है उससे वह चौंक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में ए, ए, एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मर्त, मर्त गुलदाउदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटेलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर क्विट मैन में और जॉन वैन में, में ओहारा को चुमते है। देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को एटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहाँ रोसर्स फंसे हुए और अस्थाई संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ईटी को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ईटी का स्वा स्वास्थ्य गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान है कि ईटी को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हेलोविन की रात को माइकल और इटलियट ने ईटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सके एलियट एलियट और ईटी जंगल में जाते हैं जहां वे सफलतापूर्वक घर बु घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन एलियट मैदान में जागता है और ईटी को ढूंढता है एलियट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल ईटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले इलियट के घर में ले जाता है और मैं मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि कीज के नेतृत्व में बायो हार्ट सूट पहनने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की और जिसमें माइकल मैरिक और गट्टी गर, से पूछा गया कि वह ईटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और ईटी का इलाज कर रहे हैं इल्टी एलियट और ईटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है एलियट के ठीक होने के दौरान ईटी मरता हुआ प्रतीत होता है एलियट को दूर ले जाया जाता है और चिल्लाते हुए कि डॉक्टर ईटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुलदाउदी फिर से मर जाए मर रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार को लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक अश्रुपूर्ण अस, अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है ईट एलियट और माइकल के ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चकमा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का सामना करते हुए ईटी उन्हें समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टे, टेलीकिन सिंस का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे उस जैसे उसने पहले इलियट्स के लिए किया था अंतरिक्ष यान के पास खड़े होकर ईटी का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयारी करता है जबकि मेरी गर्टी और कीस दिखाई देते हैं ईटी माइकल और गर्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे जिसे उन्हें पुनर्जीवित किया था अंतरिक्ष यान का चढ़ चर्ण, चढ़ने से पहले वह इलियट को गले लगाता है और इलियट के हा माथे पर अपनी चमकती हुई उंगली की ओर इशारा कर करते हुए कहता है कि मैं यही रहूँगा वह गुलदाउदी उठाता है और अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और जैसा कि अन्य लोग इसे उड़ान भरते हुए देखते हैं अंतरिक्ष यान आकाश में एक इंद्रधनुष छोड़ता है फिल्म में एलियट टेलर के रूप में हैरी थॉमस एक दस साल का लड़का जो इटी से दोस्ती करता है इटी के रूप में पेट वेल्थ जो स्टीवन स्पीलबर्ग और कैनेड्स ग्रीम है और मैरी टेलर के रूप में डी वालेस जो इटी इलियट माइकल और मार्टी की एकल मां है कीज के रूप में पीटर कोयोट एक सरकारी एजेंट जो इटी पर कब्जा करने का आ, आमादा है माइकल टेलर इलियट से गर्टी के बड़े भाई के रूप में जो रॉबर्ट मेग टन है गर्टी टेलर इटेलियट के माइकल्स की छोटी बहन के रूप में जो ड्यून बेरी मोर है ग्रेग के रूप में वे कैसी मार मार्टेल है टायलर के रूप में श्री सी थॉमस होवेल्स है स्टीव के रूप में सीनफाय है और पेटी गर्ल्स के रूप में एरिका एलिन है और स्कूल बॉय के रूप में डेविड ओडेल है विज्ञान शिक्षक के रूप में रिचर्ड्स स्क्यूलर है और फ्रेक थॉट पुलिसकर्मी के रूप में और अल्ट्रासाउंड मैन के रूप में रोबर्ट बार्टन है में वेन, वेन में के रूप में से और नर्स के रूप में एनी लोक हार्ट ने इस मूवी है हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया इट इज द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मूवी के फैक्टो रिव्यू इट इज द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्टीवन प्ली स्टीवन स्पिलबर्ग द्वारा निर्मित निर्मित तो और निर्देशित और मोलिशिया में थियसन द्वारा लिखित सन उन्नीस सौ बयासी की एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म है यह है। इलियट पर इलियट की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे ईटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ इलियट को ईटी को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वालेस हेनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट मैकनोट्स और ड्रू बीमी मोर है बैरी मोर्स है निर्देशक स्टीवन स्पिलवर्गस है लेखक मोलिशा मैथिनसन उत्पादक है कैथलीट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्ग्स अभिनित किया डी वाल्स वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट्स मैकनोटना ने और ड्रू बैरीमोर ने छायांकन एलन डोवी डोविया का है संपादन कैरोल लिटल लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एम्बली एंटरटेनमेंट्स है वितरित किए गए यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज की गई दो तो तारीखें एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज़ हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन नाइन टू पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पीलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पीलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और वास्तविक परियोजना नाइट स्काई इज से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने ईटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस जिसने इसकी व्यवसायिक समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में इसे एक मिलियन डॉलर के में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर सन उन्नीस सौ इक्यासी तक दस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के वितरित ए युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी कालू क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेटर एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिज़ाइन किए गए थे इटी द का प्राइमर 26 मई सन उन्नीस सौ बयासी को कांस फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया सन उन्नीस सौ तिरानवे में, में स्पिलवर्ग और अपने जरासिक जुरासिक पार्क को पार करने तक यह ग्यारह वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने 55वें अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार प्रुष, जीता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और पंच, से, पंच सेटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस में एक में और फिर 2002 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित शोर्ट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 अगस्त 2022 को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय की संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया जिसने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक व सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा फिल्म की जो कथा है वो बताती है कि कैलिफोर्निया के एक जंगल में पौधे के नमूने लेने के लिए एलियंस गुप्त रूप से रात में पृथ्वी पर आते हैं और उनमें से एक दूर शहर की रोशनी से मोहित होकर समूह से अलग हो जाता है और अमेरिकी सरकारी वाहन आते हैं और उसे चौक कर चौक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सेंट फॉर्डरसो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय एलियट लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बेमिस बेसबॉल को एक ट्रूल सेड के पिच करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में इलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कौन कौन स्कोर्स के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटनास्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद एलियट अपने घर में एलियट को लुवाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है और उससे वह चौंक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मर्त, मर्त गुलदाउदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटेलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर क्विट मैन में और जॉन वैन में मोरिन ओहारा को चुमते है। देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को इटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहाँ बकर फंसे हुए और अस्थायी संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ई को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ई का स्वा गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान है कि ई को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हैलोवीन की रात को माइकल और इलिएट ने ईटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सके इलिएट इलिएट और ईटी जंगल में जाते हैं जहां वे सफलतापूर्वक घर घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन इलिएट मैदान में जागता है और ईटी को ढूंढता है इलिएट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल ईटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले इलियट के घर में ले जाता है और मैं मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि की कीज के नेतृत्व में बायो हार्ट सूट पहनने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसमें माइकल मैरिक और, और गट्टी गर्ट, से पूछा गया कि वह ईटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और ईटी का इलाज कर रहे हैं इल्ट एलियट और ईटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है एलियट के ठीक होने के दौरान ईटी मरता हुआ प्रतीत होता है एलियट को दूर ले जाया जाता है और चिल्लाते हुए कि डॉक्टर ईटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुलदाउदी फिर से मर जाए मर रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार को लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक सहस अस एक अश्रुपूर्ण अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है ईट एलियट और माइकल के ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चकमा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का जाम सामना करते हुए ईटी उन्हें समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टे, टेलीकिनिंस का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे उस जैसे उसने पहले एलियट्स के लिए किया था अंतरिक्ष यान के पास खड़े होकर ईटी का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयारी करता है जबकि मेरी गर्टी और कीस दिखाई देते हैं ईटी माइकल और गर्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे जिसे उन्हें पुनर्जीवित किया था अंतरिक्ष यान का चढ़ चर्न, पर चढ़ने से पहले वह इलियट को गले लगाता है और इलियट के हा माथे पर अपनी चमकती हुई उंगली की ओर इशारा कर करते हुए कहता है कि मैं यही रहूँगा वह गुलदाउदी उठाता है और अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और जैसा कि अन्य लोग इसे उड़ान भरते हुए देखते हैं अंतरिक्ष यान आकाश में एक इंद्रधनुष छोड़ता है फिल्म में एलियट टेलर के रूप में हैरी थॉमस एक दस साल का लड़का जो इटी से दोस्ती करता है इटी के रूप में पेट वेल्थ जो स्टीवन स्पीलबर्ग और कैनेड्स ग्रीम है और मैरी टेलर के रूप में डी वालेस जो इटी इलियट माइकल और मार्टी की एकल माँ है कीज के रूप में पीटर कोयोट एक सरकारी एजेंट जो इटी पर कब्जा करने का आ, आमादा है माइकल टेलर इलियट से गर्टी के बड़े भाई के रूप में जो रॉबर्ट मेग मेगन टन है गर्टी टेलर इटेलियट के माइकल्स की छोटी बहन के रूप में जो ड्यून बेरी मोर है ग्रेक के रूप में वे केसी मार मार्टेल है टायर के रूप में श्री सी थॉमस होवेल्स है स्टीव के रूप में सीनफा है और पेटी गर्ल्स के रूप में एरिका एलिनिया है और स्कूल बॉय के रूप में डेविड ओडेल है विज्ञान शिक्षक के रूप में रिचर्ड्स स्क्यूलर है और फ्रेक थोट पुलिसकर्मी के रूप में और अल्ट्रासाउंड मैन के रूप में रोबर्ट बार्टन है में वेन, वेन में के रूप में और नर्स के रूप में एनी लोक हार्ट ने इस मूवी है हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ इटी द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मूवी के फैक्टो रिव्यू इटी द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्टीवन प्ली स्टीवन स्पिल द्वारा निर्मित निर्मित और निर्देशित और मोलिशिया में सन द्वारा लिखित सन उन्नीस सौ बयासी की एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म है यह है। इलियट पर इलियट की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे ईटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ इलियट को ईटी को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वॉलेस हेनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट मैकनोट्स और ड्रू बीमी है। मोर है बैरी मोरस है निर्देशक स्टीवन लेखक मोलिशा है उत्पादक है कैथलीट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्गस अभिनित किया डी वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट मैकनोट्स ने और ड्रू बैरी मोर ने छायांकन एलन डोवी डोवियाओ का है संपादन कैरोल लिटल लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एम्बली एंटरटेनमेंट्स है, है वितरित किए गए यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज की गई दो तो तारीखें एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज़ हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन नाइन टू पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पीलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पीलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और वास्तविक परियोजना नाइट स्काई इज से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने ईटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस जिसने इसकी व्यवसायिक समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में इसे एक मिलियन डॉलर के में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर सन उन्नीस सौ इक्यासी तक दस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के वितरित ए युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी काल्पनिक क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेटो एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिजाइन किए गए थे का प्राइमर 26 मई सन उन्नीस को कांस फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन को संयुक्त राज्य अमेरिका में पार करने तक यह ग्यारह वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने पचपनवे अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ धवनी का पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ धवनी संपादन और पंच, से, पंच सेटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लो पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस सौ में एक में और फिर 2002 में अपनी बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित शॉर्ट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी चालीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 अगस्त सन दो को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस सौ चौरानवे में, में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय की की संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय फिल्म में जोड़ा गया जिसने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक व सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा फिल्म की जो कथा है वो बताती है कि कैलिफोर्निया के एक जंगल में पौधे के नमूने लेने के लिए एलियंस गुप्त रूप से रात में पृथ्वी पर आते हैं और उनमें से एक दो दूर शहर की रोशनी से मोहित होकर समूह से अलग हो जाता है और अमेरिकी सरकारी वाहन आते हैं और उसे चौक कर चौक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सैन फॉर्डांसो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बेमिस बेसबॉल को एक ट्रूल सेड के पिच करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में एलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कॉन कौन स्कोर्स के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटनास्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद एलियट अपने घर में एलियट को लुभाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है और उसके से वह चौंक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मर्त गुलदाउदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटेलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर द्विट मैन में और जॉन वैन में मोरिन्स ओहारा को चुनते देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को ईटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहां बक सर्ज फंसे हुए और अस्थायी संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ईटी को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ईटी का स्वा स्वास्थ्य गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान है कि ईटी को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हेलोविन की रात को माइकल और इटलियट ने ईटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सके इलियट इलियट और ईटी जंगल में जाते हैं जहां वे सफलतापूर्वक घर घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन इलियट मैदान में जागता है और ईटी को ढूंढता है इलियट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल ईटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले एलियट के घर में ले जाता है और मैं मे, मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि कीज के नेतृत्व में बायोहार्ट सूट पहनने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की और जिसमें माइकल मैरी और गट्टी गर्ट, से पूछा गया कि वे ईटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और ईटी का इलाज कर रहे हैं एलियट और इटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है इलियट के ठीक होने के दौरान इटी मरता हुआ प्रतीत होता है एलियट को दूर ले जाया जाता है और चिल्लाते हुए कि डॉक्टर इटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुल दाउदी फिर से मर जाए मर रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक सेंस अस, एक अश्रुपूर्ण अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है इलियट और माइकल ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चक्मा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का सामना करते हुए ईटी ने समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टेलीकिनेसिस का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे उसने जैसे उसने पहले इलिएट्स के लिए किया था अंतरिक्ष यान के पास खड़े होकर ईटी e. का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयारी करता है जबकि मेरी गर्टी और कीस दिखाई देते हैं ईटी e. माइकल और गर्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे जिसे उन्हें पुनर्जीवित किया था अंतरिक्ष यान का चर्न, पर चढ़ने से पहले वह इलियट को गले लगाता है और इलियट के हा माथे पर अपनी चमकती हुई उंगली की ओर इशारा कर करते हुए कहता है कि मैं यही रहूँगा वह गुलदाउदी उठाता है और अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और जैसा कि अन्य लोग इसे उड़ान भरते हुए देखते हैं अंतरिक्ष यान आकाश में एक इंद्रधनुष छोड़ता है फिल्म में इलियट टेलर के रूप में हैरी थॉमस एक दस साल का लड़का जो इटी से दोस्ती करता है ईटी के रूप में पेट वेल्थ जो स्टीवन स्पिलबर्ग और कैनेड्स ग्रीम हैं और मैरी टेलर के रूप में डी वालेस जो इटी इलियट माइकल और मार्टी की एकल माँ है कीज के रूप में पीटर कोयोट एक सरकारी एजेंट जो इटी पर कब्जा करने का आ, आमादा है माइकल टेलर इलियट से मार्टी के बड़े भाई के रूप में जो रॉबर्ट मेगनटन मेगन है गर्टी टेलर इटेलियट के माइकल्स की छोटी बहन के रूप में जो ड्यून बेरी मोर ग्रेक के रूप में कैसी मार मार्टेल है टायलर के रूप में श्री सी थॉमस होवेल्स है स्टीव के रूप में सीनफाय है और पेटी गर्ल्स के रूप में एरिका एलिनिया है और स्कूल बॉय के रूप में डेविड ओडेल है विज्ञान शिक्षक के रूप में रिचर्ड्स स्क्यूलर है और फ्रेक थॉट पुलिसकर्मी के रूप में और अल्ट्रासाउंड मैन के रूप में रॉबर्ट्स बार्टन है मैन वेन वेन मैन के रूप में माइकल डेरेल्स है और नर्स के रूप में एनी लोक हार्ट्स ने इस मूवी के अपनी दिखाई है हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ इट इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवी के फैक्ट रिव्यू इट इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स स्टीवन प्ली स्टीवन स्पीलबर्ग्स द्वारा निर्मित निर्मित और निर्देशित और मॉलीशिया में थियासन द्वारा लिखित सन 1982 की एक अमेरिकी विज्ञान कथक फिल्म है यह है इलियट पर इलेट की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे इटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ इलियट को इटी को, को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वॉलेस हेनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट्स मैकनोट्स और ड्रू बिमी मोर है बैरी है निर्देशक स्टीवन स्पिलवर्ग्स से लेखक मोलिशा ने उत्पादक है कैथलीट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्ग्स अभिनित किया डी वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट मैकनोडन ने और ड्रू बैरीमोर ने छायांकन एलन डोवियाओ का है संपादन कैरोल लिटल, लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एमली एंटरटेनमेंट्स है वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज़ की गई दो तारीख है एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन नाइन टू पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पिलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पिलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और अवास्तविक परियोजना नाइट स्काई इज से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने ईटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस जिसने इसकी व्यावसायिक समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में से एक मिलियन डॉलर के में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर सौ उन्नीस सौ इक्यासी तक दस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के वितरित ईटी युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी कालू क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेट्र एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिजाइन किए गए थे ईटी द का प्राइमर 26 मई सन उन्नीस को कांस फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया सन उन्नीस सौ और अपने जरासिक जुरासिक पार्क को पार करने तक यह ग्यारह वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने पचपनवे अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार प्रुष, जीता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और पंच पंच सेटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस सौ में एक में और फिर 2002 में अपनी बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित शोट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी चालीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए बारह अगस्त सन दो को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस में, में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय

चौंक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सैन फार्डांसो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय एलियट लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बेमिस बेसबॉल को एक ट्रूल सेड के पिच करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में एलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कर्ण कौन स्कोर्स के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटनास्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद एलियट अपने घर में एलियट को लुबाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है उसके से वह चौक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में ए, ए, एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मर्त गुलदाउदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटेलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर क्विट मैन में और जॉन वैन में मोरिंस ओहारा को चुमते देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को ईटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहां बक रोसर्स फंसे हुए और अस्थायी संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ईटी को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ईटी का स्वा स्वास्थ्य गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान हैं कि ईटी को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हेलोविन की रात को माइकल और इटेलियट ने ईटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सके एलियट एलियट और एटी जंगल में जाते हैं जहां वे सफलतापूर्वक घर घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन एलियट मैदान में जागता है और एटी को ढूंढता है एलियट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल एटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले एलियट के घर में ले जाता है और मैं मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि कीज के नेतृत्व में बायो सूट पहने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसमें माइकल मैरी और, और गट्टी गर्ट, से पूछा गया कि वह ईटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और ईटी का इलाज कर रहे हैं एलियट और ईटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है इलियट के ठीक होने के दौरान ईटी मरता हुआ प्रतीत होता है इलियट को दूर ले जाया जाता है और चिल्लाते हुए कि डॉक्टर ईटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुलदाउदी फिर से मर जाए मर रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार को लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक अश्रुपूर्ण अस, अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि, कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है ईट इलियट और माइकल के ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चकमा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का सामना करते हुए ईटीओ ने समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टेलीकिस का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे उस जैसे उसने पहले इलियट्स के लिए किया था अंतरिक्ष यान के पास खड़े होकर ईटी का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयारी करता है जबकि मेरी गर्टी और कीस दिखाई देते हैं ईटी माइकल और गर्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे जिसे उन्हें पुनर्जीवित किया था अंतरिक्ष यान का चढ़ चर्न, चढ़ने से पहले वह इलियट को गले लगाता है और इलियट के हा, माथे पर अपनी चमकती हुई उंगली की ओर इशारा कर करते हुए कहता है कि मैं यही रहूँगा वह गुलदाउदी उठाता है और अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और जैसा कि अन्य लोग इसे उड़ान भरते हुए देखते हैं अंतरिक्ष यान आकाश में एक इंद्रधनुष छोड़ता है फिल्म में इलियट टेलर के रूप में हैरी थॉमस एक दस साल का लड़का जो इटी से दोस्ती करता है इटी के रूप में पेट वेल्थ जो स्टीवन स्पीलबर्ग और कैनेड्स ग्रीम है और मैरी टेलर के रूप में डी वाले जो इटी इलियट माइकल और मार्टी की एकल माँ है कीज के रूप में पीटर कोयोट एक सरकारी एजेंट जो इटी पर कब्जा करने का आ, आमादा है माइकल टेलर इलियट से मार्टी के बड़े भाई के रूप में जो रॉबर्ट मेग, मेगन टन है गर्टी टेलर इटेलियट के माइकल्स की छोटी बहन के रूप में जो ड्यून बेरी मोर है ग्रेक के रूप में वेकेसी मार मार्टेल है टायरलर के रूप में श्री सी थॉमस होवेल्स है स्टीव के रूप में सीन फाय है और पेटी गर्ल्स के रूप में एरिका एलिनियाक है और स्कूल बॉय के रूप में डेविड ओडेल है विज्ञान शिक्षक के रूप में रिचर्ड्स स्क्यूलर है और फ्रेक थॉट पुलिसकर्मी के रूप में और अल्ट्रासाउंड मैन के रूप रुब में रॉबर्ट्स बार्टन है मैन वैन वेन मैन के रूप में माइकल डे है और नर्स के रूप में एनी लोक हार्ट्स ने इस मूवी के अपनी दिखाई है हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ इट इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवी के फैक्ट रिव्यू इट इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स स्टीवन प्ली स्टीवन स्पीलबर्ग्स द्वारा निर्मित निर्मित और निर्देशित और मॉलीशिया में थियासन द्वारा लिखी सन 1982 की एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म है यह है इलियट पर इलियट की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे इटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ इलियट को इटी को, को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वॉलेस हैंनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट्स मैकनोट्स और ड्रू बिमी मोर है बैरी मोर्स है निर्देशक स्टीवन स्पिलवर्ग्स से लेखक मोलिशा ने उत्पादक है कैथलीट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्ग्स अभिनित किया डी वाल वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट्स मैकनोडन ने और ड्र्यू बैरीमोर ने छायांकन एलन डोवियाउ का है संपादन कैरोल लिटल, लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एम्बली एंटरटेनमेंट्स है वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज़ की गई दो तारीख है एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज़ हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन 92.9 मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पीलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पीलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और अवास्तविक परियोजना नाइट स्काई इज से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने इटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस जिसने इसकी व्यवसायिक समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में से एक मिलियन डॉलर के में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर उन्नीस सौ इक्यासी तक दस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के वितरीत ईटी युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी कालूत्मिक क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेटो एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिजाइन किए गए थे ईटी द का प्राइमर 26 मई सन उन्नीस को कांस फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया में, में और अपने जरासिक, पार को पार करने तक, 11 तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने पचपनवे अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार प्रुष, जीता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और पंच सै पंच सैटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस में एक में और फिर 2002 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित शोर्ट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 12 अगस्त 2022 को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस में, में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्टर में जोड़ा गया जिसने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक व सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा फिल्म की जो कथा है वो बताती है कि कैलिफोर्निया के एक जंगल में पौधे के नमूने लेने के लिए एलियंस गुप्त रूप से रात में पृथ्वी पर आते हैं और उनमें से एक दूर शहर की रोशनी से मोहित होकर समूह से अलग हो जाता है और अमेरिकी सरकारी वाहन आते हैं और उसे चौंक कर चौक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सेन फॉर्डरसो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय एलियट लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बेमिस बेसबॉल को एक ट्रूल सेड के पिच करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में एलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कान कौन स्कोर्स के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटनास्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद इलियट अपने घर में एलियट को लुभाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है उसके से वह चौक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मर्त गुलदाउदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटेलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर क्विट मैन में और जॉन वैन में मोरिंस ओहारा को चुमते देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को ईटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहां बक रोसर्स फंसे हुए और अस्थायी संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ईटी को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ईटी का स्वा... स्वास्थ्य गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान है कि ईटी को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हेलोविन की रात को माइकल और इटेलियट ने इटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सके एलियट एलियट और एटी जंगल में जाते हैं जहाँ वे सफलतापूर्वक घर घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन एलियट मैदान में जागता है और एटी को ढूंढता है एलियट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल एटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले एलियट के घर में ले जाता है और मैं मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि कीज के नेतृत्व में बायो सूट पहनने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसमें माइकल मैरी और, और गट्टी से पूछा गया कि वह ईटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और ईटी का इलाज कर रहे हैं इलियट और ईटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है इलियट के ठीक होने के दौरान ईटी मरता हुआ प्रतीत होता है इलियट को दूर ले जाया जाता है चिल्लाते हुए कि डॉक्टर ईटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुलदाउदी फिर से मर जाए मर रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार को लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक अश्रुपूर्ण अस, अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि, कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है ईट इलियट और माइकल के ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चकमा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का सामना करते हुए ईटी ने समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टेलीकिस का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे, उस, जैसे उसने पहले इलियट्स के लिए किया था अंतरिक्ष सियां के पास खड़े होकर ईटी का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयार करता है जबकि मेरी गार्टी और कीस दिखाई देते हैं ईटी माइकल और गार्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे जिसे उन्हें पुनर्जीवित किया था अंतरिक्ष यान का चढ़ने पर चढ़ने से पहले वह इलियट को गले लगाता है और इलियट के हा, माथे पर अपनी चमकती हुई उंगली की ओर इशारा कर, करते हुए कहता है कि मैं यही रहूंगा वह गुलदाउदी उठाता है और अंतरिक्ष यान पर चढ़ जाता है और जैसा कि अन्य लोग इसे उड़ान भरते हुए देखते हैं अंतरिक्ष यान आकाश में एक इंद्रधनुष छोड़ता है फिल्म में इलियट टेलर के रूप में हैरी थॉमस एक दस साल का लड़का जो इटी से दोस्ती करता है इटी के रूप में पेट वेल्थ जो स्टीवन स्पीलबर्ग और कैनेड्स ग्रीम है और मैरी टेलर के रूप में डी वाले जो इटी इलियट माइकल और मार्टी की एकल माँ है किस के रूप में पीटर कोयोट एक सरकारी एजेंट जो इटी पर कब्जा करने का आ आमादा है माइकल टेलर इलियट से मार्टी के बड़े भाई के रूप में जो रॉबर्ट मेग मेगन टन है गर्टी टेलर इटलियट के माइकल्स की छोटी बहन के रूप में जो ड्यून बेरी मोर है ग्रेक के रूप में वेकेसी मार मार्टेल है टायरलर के रूप में श्री शी थमस होवेल्स है स्टीव के रूप में सीन फाय है और पीटी गर्ल्स के रूप में एरिका एलिनियाक है और स्कूल बॉय के रूप में डेविड ओडेल है विज्ञान शिक्षक के रूप में रिचर्ड्स स्क्यूलर है और फ्रेक थॉट पुलिसकर्मी के रूप में और अल्ट्रासाउंड मैन के रूप रुब में रॉबर्ट्स वा बार्टन है मैन वेन वेन मैन के रूप में माइकल डेरेल्स है और नर्स के रूप में एनी लोक हार्ट्स ने इस मूवी के अपनी दिखाई है हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ इट इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवी के फैक्टो रिव्यू इट इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स स्टीवन प्ली स्टीवन स्पीलबर्ग्स द्वारा निर्मित और निर्देशित और मौलीशिया में थियासन द्वारा लिखी सन 1982 की एक अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म है यह है इलियट पर इलियट की कहानी बताता है जो एक लड़के से दोस्ती करता है जिसे इटी कहा जाता है जिसे पृथ्वी पर पीछे छोड़ दिया जाता है अपने दोस्तों और परिवार के साथ एलियट को इटी को, को अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा फिल्म में डी वॉलेस हेनरी थॉमस पीटर कोयोट रॉबर्ट्स मैकनोट्स और ड्रू बिमी मोर है बैरी मोर्स निर्देशक स्टीवन स्पिलवर्ग्स से लेखक मोलिशा मैथिनसन उत्पादक है कैथलिट कैंडी और स्टीवन स्पिलवर्क्स अभिनित किया डी वालिश ने हेनरी थॉमस पीटर कोयोट ने रॉबर्ट्स मैकनोडन ने और ड्र्यू बेरीमोर ने छायांकन एलन डोवियाओ का है संपादन कैरोल लिटल, लिटल टन के हैं संगीत जॉन विलियम्स के हैं प्रोडक्शन कंपनी एमली एंटरटेनमेंट्स है वितरित किए गए यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा फिल्म को रिलीज़ की गई दो तारीख है एक छब्बीस मई दो उन्नीस सौ बयासी को कान में रिलीज़ हुई और ग्यारह जून सन उन्नीस सौ बयासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हुई फिल्म का कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का था फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी है इस फिल्म का बजट टेन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर सेवन नाइन टू पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की फिल्म की अवधारणा एक काल्पनिक दोस्त पर आधारित थी जिसे स्पीलबर्ग ने अपने माता पिता के तलाक के बाद बनाया था सन उन्नीस में स्पीलबर्ग ने मैथिसन से मुलाकात की और अवास्तविक परियोजना नाइट स्काई इज से एक नई कहानी विकसित की दो महीने से भी कम समय में मैथिसन ने इटी और मी शीर्षक के स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पर पहला ड्राफ्ट लिखा जिसे दो बार फिर से लिखा गया था यह पर इस परियोजना को कोलंबिया पिक्चर्स ने अस्वीकार कर दिया था इसने इस जिसने इसकी व्यावसायिक समीक्षा पर संदेश किया और यूनिवर्सल पिक्चर ने अंत में से एक मिलियन डॉलर के में स्क्रिप्ट खरीदी फिल्म फिल्मांकन सितंबर से दिसंबर उन्नीस तक दस मिलियन डॉलर के बजट पर हुआ और अधिकांश फिल्मों के विपरीत ईटी युवा कलाकारों से भावनात्मक प्रदर्शन को सुगम बनाने के लिए किसी ने किसी कालू क्रम में गोली मार दी गई थी फिल्म के एनिमेट्र एनिमेट्रोनिक्स वाले कार्लो राम बल्दी द्वारा डिजाइन किए गए थे ईटी द का प्राइमर 26 मई सन को कांस फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्म में शुरू हुआ और 11 जून सन को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया सन उन्नीस सौ और में, में स्पील वर्ग और अपने जरासिक, पार, को पार करने तक यह ग्यारह वर्षों तक एक रिकॉर्ड बना रहा है इसने पचपनवे अकादमी पुरस्कार में इसमें नौ नामांकन प्राप्त किए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार प्रुष, जीता और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और पंच पंच सेटनर पुरस्कार दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीते फिल्म को सन उन्नीस सौ में एक में और फिर 2002 में अपनी बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए संशोधित शोट्स दृश्य प्रभाव और अतिरिक्त दृश्यों के साथ फिर से रिलीज किया गया था इसकी चालीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए बारह अगस्त सन दो को आई मेकस में भी इसे फिर से जारी किया गया था और सन उन्नीस में, में फिल्म को कांग्रेस के पुस्तकालय संयुक्त राज्य अमेरिका की, की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया जिसने इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक व सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा फिल्म की जो कथा है है वो बताती है कि कैलिफोर्निया के एक जंगल में पौधे के नमूने लेने के लिए एलियंस गुप्त रूप से रात में पृथ्वी पर आते हैं और उनमें से एक दूर शहर की रोशनी से मोहित होकर समूह से अलग हो जाता है और अमेरिकी सरकारी वाहन आते हैं और उसे चौक कर चौक गए और प्राणी का पीछा करते हुए दूसरे एलियंस उससे पृथ्वी पर छोड़कर चले जाते हैं सेंट फार्डरसो घाटी में घाटी में पास के एक पड़ोस में दस वर्षीय लेटर का संदेह तब भड़क जाता है जब वह बेमिस बेसबॉल को एक ट्रूल सेड के पिच करता है तो गेंद को वापस ढूंढता लुढ़कता दिया जाता है और उस रात में एलियट एक टॉर्च के साथ लौटता है और कान कौन स्कोर्स के बीच जीव की खोज करता है वह चीखता और घटनास्थल से भाग जाता है अपने परिवार में परिवार के अविश्वास के बावजूद इलियट अपने घर में एलियट को लुबाने के लिए कैंडी का निशान छोड़ देता है सोने से पहले उसे पता चलता है कि एलियन उसकी हरकतों की नकल कर रहा है अगली सुबह एलियट एलियट स्कूल में घर पर रहने और उसके साथ खेलने के लिए बीमार होने का नाटक करता है वह एलियन के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है जब एलियन गलती से एक छाता खोलता है उसके से वह चौक जाता है और साथ ही एलियट कई कमरे दूर हो जाते हैं एक दिन बाद में एलियट अपने भाई बड़े भाई माइकल और सात वर्षीय बहन गर्टी को एलियन से मिलवाता है और उसे अपनी माँ मेरी मेरी से छुपने का फैसला किया जब बच्चे एलियन से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें कई गेंदों से को उड़ाकर दिखाता है जो उनकी ग्रह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और मर्त गुलदाउदी को पुनर्जीवित करने पर उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करता है वह इटैलियट की उंगली पर मामूली कट पर अपनी चमकदार उंगलियों से मध्यम से अपनी चिकित्सा शक्ति का प्रदर्शन करता है और अगले दिन स्कूल में एलियट को एलियन के साथ एक बहुत मजबूत सहानुभूति संबंध का अनुभव करना शुरू हो जाता है जिसमें नशे के लक्षण प्रदर्शित करना शामिल है और वह अपने जीवन विज्ञान वर्ग में मेढकों को मुक्त कर देता है जैसा कि एलियन टेलीविजन पर क्विट मैन में और जॉन वैन में मोरिन्स ओहारा को चुमते है देखता है एलियट उसी तरह लड़की को चुमता है जिसे वह पसंद करता है और उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में भेज दिया जाता है एलियन खुद को ईटी कहता है एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ रहा है जब जहाँ बक रोसर्स फंसे हुए और अस्थायी संचार उपकरण बनाकर मदद करते हैं और उसे खुद से उसे अनजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ईटी को स्पीक एंड स्पेल का उपयोग करके फोन होम के लिए एक डिवाइड बनाने की डिवाइड बनाने के लिए एलियट की मदद करती है माइकल ने नोटिस किया है कि ईटी का स्वा स्वास्थ्य गिर रहा है और एलियट खुद को हम के रूप में समृद्ध कर रहे हैं इस दौरान लड़के इस बात से अनजान है कि ईटी को सरकारी एजेंट ट्रैक कर रहे हैं और उन तीनों की जासूसी की जा रही है हेलोवीन की रात को माइकल और इटेलियट ने इटी को भूत के रूप में तैयार किया ताकि वे उसे चुपके से बाहर निकाल सके इटे एलियट एलियट और एटी जंगल में जाते हैं जहाँ वे सफलतापूर्वक घर घर बुलाते हैं और अगले दिन अगले दिन एलियट मैदान में जागता है और एटी को ढूंढता है एलियट अपने चिंतित परिवार के पास घर लौट जाता है और माइकल एटी को एक पुलिया के बगल में मरते हुए पाता है और उसे मरने वाले एलियट के घर में ले जाता है और मैं मेरी अपने बेटे की बीमारी और मरते हुए विदेश की खोज पर भयभीत हो जाती है ठीक उसी तरह जैसे कि कीज के नेतृत्व में बायोहार्टर सूट पहनने सरकारी एजेंट व एक महसूस समूह ने घर पर हमला किया वैज्ञानिक ने घर पर एक प्रयोगशाला स्थापित की जिसमें माइकल मैरी और, और गट्टी से पूछा गया कि वे ईटी के बारे में क्या जानते हैं जबकि वैज्ञानिक एलियट के और इटी का इलाज कर रहे हैं एलियट और इटी के बीच मानसिक संबंध गायब हो जाता है इलियट के ठीक होने के दौरान ईटी मरता हुआ प्रतीत होता है इलियट को दूर ले जाया जाता है और चिल्लाते हुए कि डॉक्टर ईटी को मार रहे हैं क्योंकि वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जब डॉक्टर ईटी को मृत घोषित कर देते हैं तो माइकल को पता चलता है कि ईटी द्वारा पहले पुनर्जीवित के लिए किए गए गुलदाउदी फिर से मर जाए मर रहे हैं जैसा कि इलियट ठीक हो जाता है वैज्ञानिक पहले उसे उसके परिवार को लौटाते लेकिन फिर कीच को उसे ईटी के साथ अकेला छोड़ देती है इलियट एक सेंस अस, एक अश्रुपूर्ण अलविदा करती है ईटी को बताती है कि वे मामले को बंद करने से पहले उससे प्यार करती है जल्द ही ईटी के दिल की रोशनी चमकने लगती है और इलियट को नोटिस किया कि, कि गुलदाउदी एक बार फिर से जीवन में आ रही है और मामले को खोलती है ईट इलियट और माइकल के ने उस वैन को चुरा लिया जिसमें ईटी को लोड किया गया था और एक पीछा किया जिसमें माइकल को दो साइकिल पर उसके साथ शामिल हो गए अधिकारियों को चमका चकमा देते हुए अचानक एक पुलिस रोड ब्लॉक का सामना करते हुए ईटी उन्हें समय पर जंगल की ओर हवा में उठाने के लिए अपने टेलीकिन का उपयोग करके भागने में मदद करता है जैसे उस जैसे उसने पहले इलियट्स के लिए किया था अंतरिक्ष यान के पास खड़े होकर ईटी का दिल चमक उठता है क्योंकि वह घर लौटने की तैयारी करता है जबकि मेरी गर्टी और कीज़ दिखाई देते हैं ईटी माइकल और गर्टी की अलविदा कहता है क्योंकि वह उसे उस फूल के साथ प्रस्तुत करता है जिसे